हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और पूरा पूरी की पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी कर रही है। लेकिन जब ये घटना हुई और उनके भाई, पीड़िता के भाई ने जब पुलिस स्टेशन गए तो FIR तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई। चार लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी गया। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर करेगी, कानून के तहत होएगा। सरकार की तरफ से इसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि मुआवजा, मगर सरकार की तरफ से एक दिया जाता है 10 लाख रुपए, वो भी दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से परिवार वाले चाहते हैं कि जो बॉडी है उनको जल्द से जल्द दिलवा दी जाए, तो सफदरजंग अस्पताल में दिल्ली में बातचीत करके वो भी करवा रहे हैं। तो जो कुछ कर सकते हैं सरकार इस पर कर रही है, मगर एक बात जरूर है कि ये घटना दुखद है और जिन लोगों ने ये कार्य करा उनको बख्शा नहीं जाएगा, कानून के तहत उन पे बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए, उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने 25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। इस प्रकार चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया, जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई, जो बड़ी दुख की बात है। पीड़िता को SC ST में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,87,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा और दी जा रही है। इस प्रकार पीड़िता को जो कुल आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10 लाख रुपये की हो गई है। इसके अलावा हम इसकी शीघ्र विवेचना कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। जो जीभ काटने वाली बात है, जैसे पीड़िता का जो गला दबाया गया और गला दबाने के डॉक्टरों के अनुसार जो बताया गया, गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी और जीभ काटने की बात पूर्णतया सही नहीं है। मैंने ये सुओ मोटो लिया था, जैसे ही घटना सामने आई हमने सुओ मोटो लिया। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पुलिस की उसी टाइम हमने व्हाट्सएप से मंगाई। चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, कॉम्पनसेशन भी दिया गया। मैं बात भी नहीं करना चाहती बिकॉज ये बहुत छोटी चीज है, एक व्यक्ति की इतनी बार्बिक तरीके से मृत्यु हो तो कॉम्पनसेशन कहीं काम नहीं आता, लेकिन जो उनके अकॉर्डिंग टू द लॉ है वो कॉम्पनसेशन दिया गया। अभी वो लड़की यहाँ पे शिफ्ट की गई, हमने बोला था NCW ने कि इमिजिएटली दिल्ली शिफ्ट किया जाए, शिफ्ट किया गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल अवस्था में थी और उसकी मृत्यु हुई। बहुत दर्दनाक है। मेरी मेंबर अभी उसके भाई से मिलने भी जा रही है सफदरजंग हॉस्पिटल में। हम जहां तक होगा जो हेल्प होगी हम कर पाएंगे, लेकिन ये सब घटना होने के बाद है। घटना होने से पहले NCW रोके, हम अवेयरनेस चेंज करने के लिए हम जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, हम रीच आउट कर रहे हैं, लोग लड़कियों को भी लीगल अवेयरनेस, जो उनके राइट्स हैं वो अवेयर करा रहे हैं, लेकिन अकेला NCW पूरे भारत की सोच नहीं बदल सकता। हम सभी को मिलकर, जो आज मैं आप द्वारा भी ये बताना चाहूंगी, जो ट्विटर पर NCW को टैग करके एक गलत सूचना लोगों को दे रहे हैं और इसको एक कास्ट का केस बना रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप ऐसी घटनाओं से पहले क्यों नहीं आप भी ये साथ देते कि समाज की सोच बदलने के लिए आप भी कुछ ऐसे कार्यक्रम करें। ट्विटर पर सिर्फ करने के लिए एक मुट्ठी भर लोग हैं ट्विटर पर जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनकी सोच कैसे बदलिएगा? आपको रूट कॉज तक पहुंचना पड़ेगा।